लेकिन हैदराबाद एरिया में जो हम लोगों को आजादी मिली वो 17 सितंबर 1948 में मिली। 13 महीने के बाद हम आजाद हो गए और इस आजाद होने के बाद हम यहां पर कांग्रेस के ओर से बहुत से इंडस्ट्रीज, लोगों के लिए बहुत से हमने सहूलतें दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, कांग्रेस के सभी नेता लोग यहां पर अपना मेहनत करके इस एरिया के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। समारंभ में हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, सुकेंद्र सुक्कू जी, माणिकराव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, मल्लू भट्टी जी, देन श्री विजय कुमार रेड्डी जी, कामरेड्डी जी, कोमट रेड्डी जी, और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स और जो इस डायस पे बैठे हुए सारे नेतागण, मुझे बड़ी खुशी होती है आज के दिन एक हैदराबाद कर्नाटक के लिए और तेलंगाना के लिए, मराठवाड़ा के लिए ए लिबरेशन डे ये मनाया जाता है। और आज ही के दिन हमको लिबर्टी मिली। देश के इतिहास में हमको जो आजादी मिली है 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन हैदराबाद एरिया में जो हम लोगों को आजादी मिली वो 17 सितंबर 1948 में मिली। 13 महीने के बाद हम आजाद हो गए और इस आजाद होने के बाद हम यहां पर कांग्रेस के ओर से बहुत से इंडस्ट्रीज, लोगों के लिए बहुत से हमने सहूलतें दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, कांग्रेस के सभी नेता लोग यहां पर अपना मेहनत करके इस एरिया के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। आज अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी एक योजना उन्होंने घोषित किया, वो महालक्ष्मी योजना, और मुझे पीसीसी के अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर इन्होंने ये कहा है कि रहत भरोसा
रैत भरोसा हर रैत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। స్నేహితులారా, పెద్దల మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు స్వయంగా ప్రకటించినటువంటి రైతు భరోసా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో విప్లవాత్మకంగా మిగిలిపోయేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. సంవత్సరానికి ఎకరానికి 15,000 రూపాయల లెక్క, ప్రతి ఏటా రైతుకి 15,000 రూపాయలు, పట్టదారులతో పాటు కౌలు రైతులకు కూడా ఇది వర్తించేటట్టుగా ప్రకటిస్తున్నామని పెద్దల మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ప్రకటించారు. దానితో పాటు భూమి లేని నిరుపేద ప్రజలకి, రైతు కూలీలకి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు వారి అకౌంట్లోకి వచ్చేటట్టుగా ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. అంతేకాదు, వరి పండించేటువంటి రైతులకి వరి పంటకి క్వింటాల్కి 500 రూపాయలు అదనంగా బోనస్ని ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కాకుండా అదనంగా 500 రూపాయల క్వింటాల్కి ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. బహుశా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో నభూతో నభవిష్యత్. పెద్దల మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి యావత్ రైతాంగ సోదరులందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. హం జో కహతే హం వో హం కర్కే దిఖాతే హం ఔర్ హమ్నే పహలే భీ కియా హై జబ్ హమారీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ థీ సోనియా గాంధీ జీ నే मनरेगा का स्कीम लाया। सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी कानून लाया और गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने राइस फ्री करके बांटने का स्कीम किया। बच्चों को विद्या देने के लिए, शिक्षण के लिए उन्होंने कानून बनाया। ऐसे कई कानून हमने बनाया जो गारंटी हमने दी वो हम इंप्लीमेंट किए। और मुझे ये कहना है, यहाँ के जो केसीआर की गवर्नमेंट है, जो कहती है वो करती नहीं है। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, लोगों को दिए हैं। और एक गारंटी आपको सोनिया गांधी ने दी थी, उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लोगों को मैं आजाद करके सेपरेट तेलंगाना स्टेट बना के दूंगी। तो उन्होंने सेपरेट तेलंगाना स्टेट करके आपको दिया और आज आप तेलंगाना स्टेट में हैं। लेकिन जो लोग कुछ किए नहीं, वही लोग बहुत बोल लेते हैं कि उन्होंने ही आजाद देश को आजादी दिलाई। मेहनत हमने किया, तेलंगाना को लिबरेट कांग्रेस ने करवाया, तेलंगाना सेपरेट स्टेट कांग्रेस ने किया। लेकिन ये लोग आज मैं किया तू किया इतना दुनिया का प्रचार कर ले रहे। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस देश में कांग्रेस पार्टी
जो गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और गरीब जो रहित हैं, किसान हैं, उनके लिए बहुत कुछ काम हमने किया।